नमस्कार, हर खबर देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ नारा शांडिल्या। रुख करेंगे खबरों की ओर। हरियाणा विधानसभा के बजट सत्र का आज समापन हो गया। ये सत्र काफी हंगामेदार रहा। वहीं कई मुद्दों को लेकर सत्ता पक्ष और विपक्ष आमने सामने आ गए। 2 मार्च को शुरू हुए इस सत्र में कुल 15 विधेयक पारित किए गए हैं, जिसमें गैर कानूनी धर्मांतरण संबंधित विधेयक भी शामिल है। देखिए ये रिपोर्ट और सत्र की गहमागहमी को भी जानिए। हरियाणा विधानसभा के बजट सत्र का 10वां और आखिरी दिन भी काफी हंगामेदार रहा। सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच खूब वार पलटवार हुआ। जहां कांग्रेस ने बजट को खोखला बताया, तो वहीं मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने इसे शानदार बजट बताया और कहा कि इस बजट में सरकार ने हर वर्ग का ध्यान रखा। संतोष व्यक्त किया कि ये पहली बार किसी प्रदेश में हो रहा है कि हमसे भी बजट के बारे में पूछा जा रहा है। आखिर बजट तो उन्हीं लोगों से पूछना चाहिए जिनका धरातल पर लोगों के साथ कोई संबंध है, लोगों की आवश्यकताओं की जानकारी, लोगों की तकलीफों की जानकारी, किस क्षेत्र में लगना चाहिए, किस में नहीं लगना चाहिए। तो ये सब हमने चलाया है। और इस बार विधायकों की भी हमने 8 कमेटीज बनाई थी। 73 विधायक उसके अंदर, 74 विधायक कुल मिलाकर के उसमें शामिल हुए। भाजपा जजपा के 35 थे, कांग्रेस के 31 थे, इनेलो और वो हमारे कांडा जी की पार्टी हलोपा और साथ में निर्दलीय, ऐसे 8 विधायक ये भी थे। तो कुल मिलाकर 74 विधायकों ने इसमें विचार विमर्श किया, भाग लिया। उनके बहुत से सुझाव आए हमारे पास। सुझाव में से काफी तो ऐसे हैं जो इस बार ही मानने में हमें कोई कठिनाई नहीं हुई है, क्योंकि व्यवस्थाओं संबंधित थे। जहां कहीं बजट की मांग की गई है, चूंकि बजट का तो एक दायरा पहले फिक्स हो जाता है, इसलिए बजट बढ़ाने की बात इस समय हम करना संभव नहीं था। उनके सुझाव को ध्यान रखेंगे, यदि आवश्यकता हुई तो आगे जो हमारे रिवाइज एस्टिमेट्स आएंगे, सप्लीमेंट्री आएंगे, उसके अंदर किसी विभाग के लिए जो उनके सुझाव आए हैं उसमें कोशिश करेंगे, उसको पालन करें हम। एक जो महत्वपूर्ण बिल जो सबसे अंत में हमने पारित किया है, वो है धर्म विरुद्ध यानी धर्म परिवर्तन निवारण विधेयक, विधि विरुद्ध धर्म परिवर्तन निवारण विधेयक, जो इसको क्या कहेंगे, क्या था इंग्लिश में नाम इसका, लॉफुल अनलॉफुल कन्वर्जन, हाँ अनलॉफुल कन्वर्जन। अब इसमें तथ्य जो है वो सारे हमने उनके सामने सब रखे हैं। उन तथ्यों में हम देखते हैं कि पिछले 4 साल में 127 केस तो रिपोर्टेड है, और अब जो रिपोर्टेड नहीं है उसको कहने में जहाज नहीं है। बहुत ऐसे हैं जो रिपोर्टेड नहीं होते हैं, क्योंकि कई बार परिवार के, खास करके लड़की के परिवार के लोग जब कोई ऐसी घटना हो जाए तो उसमें से रिपोर्ट करने से बचते भी हैं। मेरे हिसाब से तो ये बजट जो है बिल्कुल निरस्त बजट है, और सिवाय कर्जा लेने के जो है 4 बात की नीति पे जो बजट मैंने कहा और वही बजट निकला, कि जो 4 बात ने कहा था, कर्जा लो, घी पियो, मौत से रहो, मरने के बाद कोई नहीं देखता। ये सोचते हैं कि जो घोषणा करिए तो करनी नहीं है। कोई भी एक पिछले 7 साल से 8 साल से देख रहे हैं आप, इन्होंने हर जिले में मेडिकल कॉलेज होगा, 7-7 साल तक एक भी मेडिकल कॉलेज नहीं बना। इसी प्रकार से कर्जा जो है वो आज 3 लाख करोड़ के करीब आज हरियाणा सरकार पर है, और जो अब लिया है 55,000 करोड़ कर्जा लिया है, और 60,000 करोड़ वो कर्जे को वापसी दिए, कर्जा प्लस इंटरेस्ट, कोई मायने नहीं। कहने का मतलब ये बजट जो है जो बिल्कुल जन विरोधी बजट है, जनहित का कोई इसमें वो नहीं है, कोई दिशा नहीं दर्शाता, डायरेक्शनलेस बजट है। मैं स्वयं गया डाटम माइनिंग में, जो सबसे बड़ा स्कैम हजारों करोड़ों का, 5 आदमी मरे वहां, मैंने सीबीआई इंक्वायरी मांगी, अब एनसीआर से उसको निकाल दिया क्योंकि ये क्वेश्चन हो गया था वहां माइनिंग में, इसमें पर्यावरण के लिए। अब हमने तो एनसीआर में डलवाए इलाके, उसका फायदा है, और ये एनसीआर से निकलवा रहे हैं।
ये समझ से बाहर है मेरी बात। मैं आज भी ये कहता हूँ सरकार को एनसीआर में फिर डलवाने का प्रयास करना चाहिए, जो थोड़ा बहुत वहाँ यहाँ डेवलपमेंट हुआ था वो एनसीआर के उसमें भी हमारे को बहुत सहयोग मिला था, आगे भी एनसीआर तो डेवलप होना ही है, उसको तो मिलना ही है आपको। भ्रष्टाचार, मैंने कहा कि रोम रोम में भ्रष्टाचार है, इतना भ्रष्टाचार कभी दिखाने गया, आप रोज पकड़ रहे हैं कोई वो थोड़ा ही किसी कंप्लेंट पे पकड़ा जाए तो क्या हमने पकड़वा दिया, 7 साल तक वो क्या कर रहा था भाई। आपको बता दें कि हरियाणा विधानसभा के बजट सत्र की शुरुआत 2 मार्च को हुई थी। 8 मार्च को महिला दिवस के मौके पर हरियाणा विधानसभा में मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने बतौर वित्त मंत्री सदन में वित्त वर्ष 2022-23 के लिए 1,77,255.99 करोड़ रुपए का बजट पेश किया था। यह सत्र काफी लंबा था, हालांकि सत्र की कार्यवाही 10 दिन चली। इस दौरान कुल 15 विधेयक पारित हुए, जिसमें गैरकानूनी धर्मांतरण संबंधी विधेयक भी शामिल हैं। अब विधानसभा की कार्यवाही अनिश्चित काल के लिए स्थगित हो गई है। कुल मिलाकर यह सत्र काफी हंगामेदार रहा। कई मौकों पर सत्ता पक्ष विपक्ष के बीच तीखी नोकझोंक देखने को मिली। ब्यूरो रिपोर्ट, हर खबर। वही एक बार फिर से लोगों पर महंगे पेट्रोल और सिलेंडर की मार पड़ी है। पेट्रोल डीजल के दामों में 80-80 पैसों की बढ़ोतरी हुई है, तो वही दूसरी ओर एलपीजी पर 50 रुपए की बढ़ोतरी हुई है। एक बार फिर से आम जनता के जेब पर ऊपर महंगाई की मार पड़ती हुई नजर आ रही है। बता दें आपको कि रसोई गैस के दाम बढ़े हैं, जहां अगर हम अंबाला और भिवानी और चरखी दादरी की बात करें तो अंबाला में 1917.50 रुपए एलपीजी सिलेंडर के दाम हुए हैं। बता दें आपको कि रसोई गैस के दाम बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। फरीदाबाद में एलपीजी सिलेंडर के दाम 901.50 और फतेहाबाद में 928.50 रुपए रसोई गैस के दाम है। वहीं हिसार में 920 रुपए और झज्जर में 900.50 और जिंद में 908.50 रुपए एलपीजी गैस हो गया। वहीं अगर हम बात करें पेट्रोल और डीजल की, तो हरियाणा में 96.15 पेट्रोल है, और वही कोलकाता की बात करें तो 105.51 पेट्रोल की दाम है और डीजल 90.62 और चेन्नई में पेट्रोल 102.51 रुपए प्रति लीटर हो गया है। वहीं अगर दिल्ली की बात करें तो एलपीजी सिलेंडर के दाम दिल्ली में 949.5 रुपए हो गए हैं। वहीं मुंबई में एलपीजी सिलेंडर के दाम 949.5 और चेन्नई में 965.5 रुपए हो गए हैं। विधानसभा चुनाव के बाद 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव के बाद एक बार फिर से आम जनता के जेब पर महंगाई की मार पड़ी है। वहीं फिरोजपुर ग्रामीण से आप विधायक रजनीश से खास बातचीत की हमारे पंजाब ब्यूरो हेड स्वर्णजीत सिंह ने। इस बातचीत में रजनीश ने कहा कि जिस जनता ने उन्हें विधानसभा भेजा है, वे अब उस जनता के लिए काम करेंगे। अब जनता परेशानी को लेकर चंडीगढ़ नहीं आएगा, वहीं बल्कि सरकार जनता की समस्या का समाधान करने के लिए जनता के पास जाएगा। एक ऐसे शख्स जिन्हें हमारे दर्शकों ने पहले भी साक्षात्कार के दौरान मिले थे, जो कि फिरोजपुर देहात से आते हैं, रजनीश धैया हमारे साथ हैं, जो कि विधायक हैं और आज दूसरा दिन जो कि आखिरी दिन था पंजाब के सेशन का, आज हमारे साथ मौजूद हैं। रजनीश जी बहुत बहुत स्वागत, धन्यवाद। 2 दिन कैसे रहे? सबसे पहले नया एक्सपीरियंस और पहली बार विधायक बनना, विधायक बनकर के विधानसभा पहुंचना और सेशन सत्र में जाना, कैसा एक्सपीरियंस? ये एक सपने का साकार सच होने जैसा ही है, क्योंकि इससे पहले टीवी पर डिबेट्स देखते थे, टीवी पर विधानसभा लोकसभा देखते थे, प्रोसीडिंग्स कार्यवाही देखते थे, लेकिन यहाँ खुद प्रेजेंट होकर उन कार्रवाइयों को देख रहे हैं, उसका हिस्सा बन रहे हैं, बहुत बड़ी बात है। सत्र में एक बात, एक गूंज ये भी देखने को मिली, बाबा भीमराव अम्बेडकर और शहीद भगत सिंह के बुत लगाने की बात की गई, इसे कैसे देखते हैं? जो काम 1947 में जब देश आज़ाद हुआ और संविधान हमारा लागू हुआ और 1952 में चुनाव शुरू हुए, ये काम 1947
यानी कि बहुत पहले हो जाने चाहिए थे। बाबा साहेब, देखो बाबा साहेब डॉक्टर बी आर अम्बेडकर साहब ने देश का संविधान निर्माता, हम उनके कहते फादर ऑफ नेशन कहते हैं, उनके प्रति सच्ची श्रद्धांजलि तो यही थी कि जब वे इस दुनिया से रुखसत हुए तभी ये सम्मान उन्हें मिलना चाहिए था। लेकिन आपने इतनी बड़ी बात की, आपको नहीं लगता कि इस पर भी विपक्ष ने, आज राजा वड़िंग ने कहा कि इस दिन में छुट्टी नहीं करनी चाहिए सरकारी, इस दिन को मनाना चाहिए, और मुख्यमंत्री ने कह दिया आपको पता उनकी जन्मतिथि क्या है और उन्हें नहीं पता? क्योंकि जो लोग दफ्तर जाते हैं, जो स्कूलों में जाते हैं, उनका भी दिल करता है कि हम शहीदों को जाकर नमन करें, लेकिन रिस्ट्रिक्शंस है, किसी ने ऑफिस 9 बजे पहुंचना है, कि बच्चों को स्कूल 7:30-8 बजे पहुंचना है, कुछ जो टीचर साहबान है, जो हमारी माताएं बहनें हैं, ये जो और स्कूल का स्टाफ है और है, ये सभी अपने अपने ड्यूटीज में चले जाते हैं, वहां जाके सिर्फ एक दिन का पाठ पढ़ाया जाता है, अभी शहीद हमारे शहीदों ने देश के लिए ये किया, लेकिन उन शहीदों के उनके प्रतिमाओं पर जाके माल्यार्पण करना, श्रद्धांजलि करना, ये अपॉर्चुनिटी उनको। जी, 3 महीने का बजट सत्र आज पेश हुआ और उनमें यही कहा गया है, देखिए हम मानते हैं, ये लोग भी जानते हैं कि एकदम से बजट नहीं तैयार हो सकता, 3 पुराने कार्यों को ही ये कहा कि अमलीजामा पहनाना जाएगा, तो क्या लगता है कि जैसे वायदे किए थे 1,000 रुपए मासिक भत्ता जो है महिलाओं को देना है और साथ ही बिजली फ्री की बात है, वो कह तो दिया हो जाएगा, क्या लगता है 1 अप्रैल से हो जाएगा? क्यों नहीं होगा? पहली बात तो ये है कि सुविधाएं देने के लिए, जनता को सुविधाएं देने के लिए किसी सेशन को बुलाने की जरूरत नहीं है। सुविधाएं एक डिक्लेरेशन होती है, सरकार की तरफ से ऑर्डर होते हैं, नोटिफिकेशन होते हैं, और उसके बाद वो लोगों को मिलना शुरू हो जाती है। आप भी वेल एजुकेटेड हैं, बात अगर मैं पंजाब की, अब आपके फिरोजपुर देहात में पहुंचूं, तो सबसे बड़ा टास्क आपके लिए नशा है, वहां पर सैंड माफिया है, रेत माफिया, और सबसे उससे भी बड़ी चुनौती है कि पाकिस्तान का बॉर्डर पास में, और ये भी कहा जाता है कि नशा की तस्करी सबसे ज्यादा वहां से होती है, तो कैसे नकेल कसेंगे? देखो हमारे BSF के जवान, हमारी सेना सक्षम है, हमारी पंजाब पुलिस, हमारी पंजाब की इंटेलिजेंस सर्विसेज जो हैं, जो हमारी एजेंसीज हैं, वो बहुत सक्षम है, कंट्रोल करेंगे। इससे पहले उन्हें काम नहीं करने दिया जाता था, पॉलिटिकल प्रेशर उनके ऊपर हैवी होता था, हम उन्हें काम करने की आज़ादी जो उन्हें चाहिए वो देंगे। क्या लगता है कि मान साहब ने कहा कि चंडीगढ़ में विधायकों को कम रुकना है और अपने विधानसभा क्षेत्र में जाना है, कंधों पर कितना बड़ा बोझ जो है लगता है, क्योंकि बहुत बड़ी जीत मिली है? देखो कंधों के ऊपर, आम आदमी पार्टी के कंधे पर ऑलरेडी जिम्मेदारी बहुत बड़ी जो लोगों ने दी है, 92 नंबर जो विधानसभा के अंदर हमें दिए हैं, ये बहुत बड़ी बात है, इतिहास उन्होंने रचा है, अब बारी हमारी है। उन्होंने तो सिर्फ 1-1.5 मिनट के लिए एक मशीन में जाके, EVM पे जाके वोट डाल दिया और उसके बाद वो बेफिक्र हो गए, अब फिक्र करने की बारी, अब 5 साल, अब वो जनता चांसेस होगी, हमें काम करना, हमें तो दिन रात काम करना है। और दूसरी बात जो की आपने कि चंडीगढ़ में नहीं बैठ रहा, मैं कहता हूँ कि चंडीगढ़ में आने की जरूरत ही नहीं है, लोगों ने वोट बूथ पे जाके पाया है, डाला है, लोगों ने वोट मतदान केंद्र में जाके वहाँ किया, तो हमारा ये फर्ज बनता है कि हम उन्हें काम करवाने के लिए चंडीगढ़ ना बुलाएं, हम उनके पास जाएं। हमारी नजर इन सभी विधायकों पर और खास तौर पर पंजाब सरकार पर बनी रहेगी, आप देखते रहें हर खबर, कैमरा पर्सन हरदीप के साथ मैं स्वरण, चंडीगढ़ विधानसभा। वहीं पंजाब के बटाला से आपके युवा विधायक शहरी कलसा से खास बातचीत की हमारे पंजाब के ब्यूरो हेड स्वर्णजीत सिंह ने। इस खास बातचीत में शहरी कलसी से कहा कि जिस भरोसे से जनता ने उन्हें चुना है उस भरोसे को वे कायम रखेंगे, पिछली सरकारों से जैसे सत्ता सुख के लिए जनता को चुना, वे इससे हटकर एक परिवार की तरह अपने क्षेत्र में कार्य करेंगे। आम आदमी पार्टी 92 विधायक विधानसभा चुनाव जीत करके विधानसभा पहुंचते हैं, लेकिन बहुत से ऐसे विधायक हैं जो युवा हैं, जिनमें कुछ कर गुजरने की इच्छा है, ऐसा नजर आ रहा है। और ऐसे ही एक विधायक हैं शहरी कलसी, जो कि बटाला से आते हैं, बटाला में कई दिग्गज नेताओं को हरा कर विधानसभा पहुंचे और हमारे साथ हैं। शहरी जी, बहुत बहुत स्वागत। थैंक यू जी। सबसे पहले, विच इज द सीक्रेट ऑफ योर एनर्जी, इतनी एनर्जी और बटाले में इतनी पटकनी दे करके आप पहुंच गए? ये जी, बटाले के लोगों का प्यार है, मान सत्कार है, जिस इस निमाने को इतना मान बख्शा है, और बस उनकी उम्मीदों पर खरे उतरना है बस। कितनी बड़ी चुनौतियां रही इस बार विधानसभा चुनाव 2022 में, अगर मैं गलत नहीं हूं तो बटाला से कांग्रेस के भी दिग्गज नेता आपके सामने? बिल्कुल जी, देखो चुनौतियां तब फीकी पड़ जाती हैं जब लोग, जब संगत आपके साथ हो,
मेरे साथ लोग थे, उनका मान था, उनका प्यार था, वो मेरे साथ था और वो चुनौतियां जो थी वो फीकी थी। इसलिए क्या लगता है कि लोगों ने इस बार शहरी कलसी को किस लिए वोट किया? क्या जो कांग्रेस का विधायक रहा, अकाली दल का विधायक रहा, वो विकास कार्यों की अनदेखी हुई जो एक्चुअल में जमीनी हकीकत में होने चाहिए थे जो नहीं? देखो सर, उन्होंने बटाले वालों ने मेरे को वोट इसलिए दिया, पहले उन्होंने लीडरों को वोट दिया था, अब उन्होंने अपने परिवार के बच्चे को वोट दिया है। उनको लगा भी ये हमारे परिवार का जी अब हमारी बात करेगा। कलसी साहब, एक तरफ कहा जाता है 2014 से एक नारा एक दिस देश में दिया, स्वच्छ भारत अभियान, घर घर जल, घर घर नल। क्या लगता है बटाले की तस्वीर अगर देखी जाए तो बहुत ज्यादा, अगर गंदगी को लेकर हम बात करें तो बहुत बुरा हाल रहा, तो क्या लगता है पहली प्राथमिकता क्या गंदगी, सफाई व्यवस्था दुरुस्त हो गई? मैंने कहा जी, पहले लीडर थे ना जो सभी वादे करते थे, अब वो वादों वाला या बताने वाला काम नहीं है। अब जो आम आदमी पार्टी के युवाएं हैं सेवादार, वो कर फिर बताएंगे भी ये हमने काम कर दिया है। निकाय में कांग्रेस के पार्षद हैं, निकाय में नगर काउंसिल में प्रधान कांग्रेस के हैं, चुनौती बड़ी नहीं लगती कि अगर आप काम करना चाहेंगे कहीं ना कहीं पार्षद उसमें कोई ना कोई अड़ंगा डाले? देखो जी, मैं फिर बोल रहा हूँ, अगर तो अपने स्वार्थ के लिए करेंगे तो नेचुरली वो अड़िक्का डालेंगे, अगर शहर के स्वार्थ के लिए करेंगे, अगर वो अड़िक्का डालेंगे तो लोग अगली बार उनको भी खत्म कर देंगे। ये तो लोगों के ऊपर डिपेंड है, लोग चाहे तो लीडर हर्ष पे है, लोग चाहे तो लीडर फर्श। आज विधानसभा सत्र में बाबा भीमराव अंबेडकर और साथ ही शहीद भगत सिंह के स्टैचू की बात की गई कि उनके बुत बनाए जाने चाहिए, कैसे देखते हैं? देखो जी, बहुत बड़ा उपराला है, जब आम आदमी पार्टी हमने जब शपथ ली शहीद आजम धरती से शुरू काम किया और वाकई वो हमारे मुख्यमंत्री साहब का एक निर्णय था भी उस धरती को सलाम कर फिर आगे तुरेंगे, क्योंकि अब हमें उनकी सोच नजर आ रही है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की, भगत सिंह जी की। अगर वो हमारे देश के लिए ना लड़ते तो आज हो सकता है हमें अपने हक नहीं मिलते, लेकिन रवायती सरकारों ने अभी तक हमारे लोगों को उनके हक नहीं दिए। अच्छा साहब, कितना बड़ा फर्क लगता है, देखिए एक ऐसा मुख्यमंत्री आता है जो पहले ही दिन बात करता है कि 23 मार्च को मैं हेल्पलाइन नंबर लाऊंगा जो भ्रष्टाचार के विरुद्ध होगा, पहले ही तीन दिनों में वो कहते हैं कि 25,000 नौकरियां ला रहा हूं, पहले ही दिन वो कहते हैं लो जी मोहर लग गई, 1,000 रुपए मासिक भत्ता जो है महिलाओं को मिलेगा, पहले ही तीन दिनों में वो कह देते हैं कि बिजली 300 यूनिट 1 अप्रैल को फ्री हो जाएगी। तो क्या पंजाब के लोगों से जो वायदे किए हैं वो पूरे होते नजर आ रहे हैं पंजाब के लोग? ये अब आपने लोगों से पूछना है, थोड़ा समा दे दें हमें थोड़ा। मैं आपको बताऊं भी मेरे को जो लगता है अगली बार लोगों के पास वोट मांगने की जरूरत नहीं पड़ेगी, उनको ये बताना पड़ेगा भी अगर हमने काम किया है तो हमें वोट दे दो, लोग त्यार पर त्यार रहेंगे, क्योंकि लोगों की लड़ाई लड़ने के लिए इन्होंने हमें विधानसभा में भेजा है। अब तो मुद्दों की बात इनके ऊपर ही होगी, वो पहली राजनीति गई जो अपने परिवार की राजनीति हुआ करती थी, अपने घर की राजनीति हुआ करती थी, वो खत्म है। सुजिंदर सिंह रंधावा ने आज बयान दिया है, वो कहते हैं कि जेल में बैठे जो जितने भी ये बदमाश हैं या यूं कहें गैंगस्टर्स हैं, इनको फोन उपलब्ध हैं और आज जेल मंत्रालय भी दे दिया, तो क्या लगता है आम आदमी पार्टी के लिए कितनी चुनौती, उन्हें देखना चाहिए? रंधावा साहब कहते हैं कि पहले उनके ऊपर नकेल कसें फिर भगवंत मान आगे। देखो जी, ये सुखजिंदर रंधावा का औहदा क्या था, डिप्टी सीएम थे ना, इनका मतलब फिर फोन इन्होंने बचाए होंगे, जो कल्चर चल रहा है फिर इनके ऊपर तो क्वेश्चन आता है, हमें तो आने को अभी तो 10 दिन भी नहीं हुए, तो ये अपनी नालायकी खुद ब खुद बयान कर रहे हैं। ये शहरी कलसी क्या वाकई में लोगों के द्वारा जताए गए विश्वास पर खरा उतर पाएंगे, ये आने वाला समय बताएगा। आप देखते रहे हर खबर, कैमरा पर्सन हरदीप के साथ मैं स्वरण।
वहीं देश भर में विश्व जल दिवस मनाया गया। इसी सिलसिले में कुरुक्षेत्र जिले में कार्यान्वयन टीम ने शपथ कार्यक्रम का आयोजन किया। वहीं आपको बता दें, इस दौरान टीम ने जन स्वास्थ्य विभाग कुरुक्षेत्र, भू विज्ञान विभाग और कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय का दौरा किया। लोक स्वास्थ्य विभाग के कार्यपालक अभियंता दिनेश गावा ने जल संरक्षण की शपथ ली। वहीं कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय के भू विज्ञान विभाग के अध्यक्ष डॉक्टर नरेश सागवाल ने जल संरक्षण के लिए अपने सुझाव दिए। नहीं देखो, लगेगा जी, ये गवर्नमेंट की योजना चली थी। पूरे देशवासियों को अंतर्राष्ट्रीय जल दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। मैं डॉक्टर नवीन नैन, भूजल विशेषज्ञ। हम लोग अटल भूजल योजना में कार्यरत हैं और जल संरक्षण के लिए लोगों को काफी हम मोटिवेट कर रहे हैं। तो जल संरक्षण के लिए मैं दो शब्द कहना चाहूंगा जो हरियाणवी लैंग्वेज में है, जैसे कि बोलते हैं, यदि कल बचाना है तो आज हमें जल बचाना है। और इसके तहत जल संरक्षण हो हमारा सबका नारा, ताकि सुरक्षित रहे पर्यावरण हमारा। नमस्कार सभी प्यारे देशवासियों, आप सभी को अंतर्राष्ट्रीय जल दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। मैं आज अंतर्राष्ट्रीय जल दिवस पर अपने कुछ विचार आपके साथ साझा करना चाहता हूं, और जल का हमारे जीवन में क्या महत्व है और कितनी हमें जल संरक्षण की जरूरत है और क्यों इतना हमारे लिए जरूरी हो गया आज की परिस्थितियों में जल को बचाना या इसका सदुपयोग करना, इसका जितना हमारे पास ये जिस मात्रा में उपलब्ध है उस मात्रा को सही तरीके से यूज करके अपनी दिनचर्या को चलाना। तो इसी जल संरक्षण के ऊपर मैं आपको बस दो लाइनें कहना चाहता हूं कि जीवन जल के ऊपर निर्भर है और जल संरक्षण हमारे ऊपर निर्भर है। तो आप सभी से मेरी यही प्रार्थना है कि जितना संभव हो सके उतना से ज्यादा जल संरक्षण। अंबाला के डीआर सेंटर में विश्व जल दिवस मनाया गया। बता दें आपको कि इस दौरान सीजीएम डॉक्टर सुखदा प्रीतम ने लोगों को पानी के महत्व समझाई और साथ ही पानी के प्रति लोगों को जागरूक भी किया। आज वर्ल्ड वाटर डे है और डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विस अथॉरिटी अंबाला में हमने इसको बहुत धूमधाम से मनाया। जितने भी मेडिटेशन में लोग आए हुए हैं और एडीआर सेंटर विजिट कर रहे हैं, हम सबको बता रहे हैं कि पानी बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज है जिसको वेस्ट ना करें। और स्किट के द्वारा इस कॉलेज के बच्चों ने बहुत अच्छे से दर्शाया कि ये जो अहमियत है वाटर की, अगर आज हम इसको ध्यान नहीं रखेंगे तो 2050 में या आने वाले टाइम में कितनी मुश्किलें आ सकती हैं। वाटर वो कमोडिटी हो जाएगा जैसे कि हीरे चांदी जितनी इम्पोर्टेंस हो जाएगी, जो आज भी है, बट वी नीड टू रियलाइज द इम्पोर्टेंस टुडे टू मेक। खबर जींद से है, जहां बता दें आपको कि हरियाणा की बेटी के नाम से मशहूर विकास राणा और उनका परिवार गरीबी की मार झेल रहा है। बता दें आपको कि विकास राणा ने इसी साल नेशनल विंटर बैथलॉन गेम गुलमर्ग में ब्रॉन्ज मेडल जीता था। खास बात यह है कि इस खेल में हरियाणा को पहली बार मेडल मिला था। वहीं परिवार का आरोप है कि इस मुकाम तक पहुंचने पर भी सरकार ने हमारी बेटी को कोई आर्थिक सहायता नहीं दिया है। तो इस करके इसका शुरू ही सपना था जी, मैं खेल लूंगी, खेल में चली गई, खेलती रही। हम बड़े परेशान हुए, पैसा बहुत लगा इस पे जी, क्यों यहाँ पर बर्फ नहीं होती, प्रैक्टिस 3 महीने 4 महीने गुलमार्ग की करवानी पड़ती है जी, रोज का खर्चा हमारा 2000 रुपये उसका खाने रहने का। तो वो जब आगे बढ़ती जा रही है तो हमने सोचा भी चल दिए जा, इतने दिए गए फिर ज्यादा परेशान हो जी, जमीन गहना धरी है, मौके हो गए, लोन करवा दिया हमने जमीन पे 6 लाख रुपये जी, उसका खर्चा उठाया एक बार। गेम में जीत के आई है और दीदी से कहा घर का काम करने के लिए कहती है, लेकिन मैं उसे मना कर देती हूँ, दीदी आप अपने गेम की ओर ध्यान दो, मेरी हमारे घर की तरफ मत देखो। और घर वालों ने भी उसके ऊपर बहुत खर्चा उठा रखा है, लेकिन बाहर वाले उनके ऊपर बहुत बुरे बुरे विचार बोलते हैं, कहते हैं कि लड़की को बाहर मत भेजो, ये मत करो, वे मत करो, लेकिन हमारे घर वाले तो उनकी ओर ही ध्यान दे रहे हैं, कह रहे हैं कि अब बेटा तुम अपने काम की ओर ध्यान दो, लोगों की तरफ मत देखो। और इसी वजह से आज उन्होंने अपना पूरे हरियाणा में अपना नाम रोशन कर रखा है। दो गोल्ड मेडल जीत के लेके आई हुई है और एक सिल्वर मेडल है, अब की बार भी वो बैथलॉन स्कीइंग में 3rd नंबर पर आई हुई है। योगा सुपना दावा यो खेलने का, हम दवा जमींदार आदमी है, ये भी आवाज मेडल ली आई जीते आई, हमने खुशी है,
कैसा महसूस हो रहा है? खुशी का जमा खुशी हो रही, नौकरी दे दे जिन्हें बैठी गवर्नमेंट। तो किस तरह आपने इनको पढ़ाया? बड़ी मजबूरी हुई है पढ़ाने वाली भी। क्या क्या समस्या? समस्या सारी समस्या थी भाई। तो किस तरह खर्चे उठा रहे? खर्चा तो जमा सारा ही शोपर लाने लायक। फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत, देखते रहिए हर खबर। नमस्कार।